साबिक फौजी आमिर जनरल परवेज मुशरफ की नवासी मरियम रजा ने खानदानी रिवायत पर अमल करते हुए शोबिज इंडस्ट्री में कदम रख दिया है। याद रहे कि मरियम की वालिदा आयला रजा पाकिस्तान में क्लासी की मौसीकी की तरवीज के लिए सरगर्म हैं, जबकि इनके नाना परवेज मुशरफ ने अपने दौरे इक्तदार में मौसीकी की कई तकारीब में खुद तबला बजाकर लोगों को हैरान कर दिया था। उन्हें गाने का भी शौक है और वो अपने दौरे सदारत में अक्सर महफिलों में खुद भी राग अलाप कर दिखाते थे। मरियम ने अपने फनी करियर का आगाज गुलुकार ताहा जी की म्यूजिक वीडियो प्यार द मीटर बनाकर किया है। ख्याल रहे कि मरियम रजा के वालिद आसिम रजा पाकिस्तान के मारूफ फिल्म एंड टेलीविजन कमर्शियल डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, जबकि वालिदा आर्किटेक्ट होने के साथ साथ मारूफ समाजी शख्सियत और मौसीकी की दिलदादा है। संगीन गद्दारी केस में खसूसी अदालत से सजाए मौत पाने वाले परवेज मुशरफ की नवासी मरियम रजा शोबिज में एंट्री के हवाले से इन दिनों जेर बहस हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मरियम रजा ने हाल ही में प्यार द मीटर नामी एक पंजाबी सॉन्ग की डायरेक्शन दी है। ये गाना ताहा जी का है जिसमें मॉडल सबीना सैयद ने भी जलवे बखेरे हैं, जबकि इस म्यूजिक वीडियो के प्रोड्यूसर अम्मारुल हक हैं। मुशरफ की साहबजादी आयला रजा मारूफ फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर आसिम रजा की अहलिया हैं। आयला और आसिम रजा की दो बेटियाँ मरियम और जैनब रजा हैं। अपनी बीवी आयला रजा की तरह आसिम भी बुनियादी तौर पर आर्किटेक्ट हैं। ताहम इन्होंने 90 की दिहाई से फिल्म मेकिंग के शोबे में कदम जमा रखे हैं। तब से अब तक आसिम रजा कई टीवी कमर्शियल्स, म्यूजिक वीडियोस, लॉन्ग प्लेस और फीचर फिल्में प्रोड्यूस कर चुके हैं। सन 2004 के लक्स स्टाइल अवार्ड में आसिम की वीडियो माहीवे ने बेस्ट म्यूजिक वीडियो डायरेक्टर का अवार्ड जीता था। सन 2016 में लॉलीवुड फिल्म होमन जहां के जरिए आसिम रजा ने फिल्मी दुनिया में एंट्री दी। इसके अलावा द विजन फैक्ट्री के नाम से आसिम की अपनी प्रोडक्शन कंपनी भी है। इस प्लेटफॉर्म से इन्होंने सन 2019 में फिल्म परे हट लव भी प्रोड्यूस की है। परवेज मुशरफ की साहबजादी आयला रजा ने सन 1995 में NCA लाहौर से आर्किटेक्चर में डिग्री ली। आयला क्लासिक की मौसीकी की दिलदादा हैं। एक इंटरव्यू में आयला ने बताया कि लाहौर में कायम के दौरान वो मौसीकी के प्रोग्रामों में भरपूर शिरकत किया करती थी और ये सिलसिला कराची मुंतकिल होने के बाद भी जारी रहा। आयला रजा ने ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से कई म्यूजिक कॉन्सर्ट्स भी मुनक्कद करवाए हैं। परवेज मुशरफ इन दिनों सजाए मौत से बचने के लिए मुल्क से फरार हैं और दुबई में खुद साख्त जलावतनी की जिंदगी काट रहे हैं। हालांकि खसूसी अदालत ने इन्हें पाकिस्तान वापस लाकर इस्लामाबाद के डी चौक में फांसी देने का हुक्म जारी कर रखा है। दूसरी जानिब मुशरफ की दोनों निवासियां अपने वालिद आसिम रजा के नक्शे कदम पर चल रही हैं। मरियम रजा फैशन की दिलदादा हैं और अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी तरह तरह की फैशनेबल तस्वीर शेयर करती रहती हैं। मरियम और जैनब रजा दोनों बहनें अक्सर अपने वालिदैन के साथ समाजी तकरीबात में भी दिखाई देती हैं। मरियम ने तो बाकायदा एक म्यूजिक वीडियो डायरेक्ट करके शोबिज की दुनिया में एंट्री दे दी है और अब तवक्को की जा रही है कि इनकी बहन जैनब रजा भी बाकायदा इस शोबे को जल्द ही इख्तियार कर लेंगी। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।